हेलो डिफेंस सर्वर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे जो मिसलिनियस एंट्रीज होती हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते रहते हैं लड़कों के इसके। टेरिटोरियल आर्मी को आप एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, वो है 18 to 40। 18 से 40 साल तक की एज के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो बहुत भर सकते हैं इसको। बट देयर इज अ मस्ट थिंग कि आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, यानी एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो आप होल्ड करने चाहिए, एक डिग्री होल्ड करने चाहिए, यानी यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट टू फिल द फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। ओके, दिस इज द थिंग। आफ्टर दैट, अगर ग्रेजुएशन है, साथ साथ में एक और चीज़ आपको चाहिए है, वो है यू मस्ट बी एम्प्लॉयड। आप लोग सर्विंग होने चाहिए कहीं पर भी, कोई वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर अगर प्राइवेट फॉर्म हो, ठीक है, प्राइवेट फॉर्म आप देख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको गवर्नमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं कुछ लोग। एज हो गया, एजुकेशन की बात कर ली, निकल लिया। इसके बाद आप लोग की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी अलग तरीके से मेथड से होती है। आप लोगों का क्या किया जाता है कि जो ट्रेनिंग है वो मंथली, मतलब ईयर में 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आई एम ए में वो आपको 3 महीने रखेंगे, वो बोलेंगे कि भाई यस, आई एम ए में 3 महीने ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों की होती है ईयरली। कमीशन के 2 साल के अंदर, यानी जैसे आप कमीशन हो जाएंगे आफ्टर, उसके विद इन 2 ईयर्स आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। इसमें रेगुलर आर्मी जैसा कुछ नहीं है, रेगुलर आर्मी में आप लगातार सर्व करते, इसमें क्या है 6 to 7 months की आपकी सर्विंग होती है, 6 से 7 महीने की आपकी सर्विंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है, कहीं पे एक्सटेंड करके उसको 8 हो जाता है। बट क्या है कि 2 महीने की तो आपको छुट्टी वैसे नॉर्मली ही मिलती है, वो पेड लीव मिलेगी। बट आफ्टर दैट जो नॉर्मल जो आपके जो 2 बचे हुए महीने हैं उनमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल आपका सैलरी नहीं है। अब इसमें सेम सैलरी है सेम एज द रेगुलर आर्मी, लेकिन लेफ्टिनेंट में जैसे सैलरी मान के चलिए पेमेंट रहता है 56,100 से लेकर 93,800 तक का पेमेंट लेफ्टिनेंट का। सेम यही पेमेंट है, MSP आपको इतना ही मिलना है, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे उतना ही मिलना है। लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक का सबका वही रहता है MSP, यहाँ पे भी सेम रहेगा आपका। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें टेरिटोरियल आर्मी में कोई भी सर्विंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, नन ऑफ द सर्विस कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। जैसे कि कोई आर्मी में सर्व कर रहा है, फोर्स नेवी कहीं पर भी सर्व कर रहा है, फिर पैरा फोर्सेज में भी सर्व कर रहा है, पैरामिलिट्री में भी सर्व कर रहा है, तो नहीं, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द TA राइट नाउ। अगर वो रिटायर हो जाता है एक सर्विस मैन एंड ही इज़ मेडिकली फिट तो वो ज्वाइन कर सकता है TA को। अब मैं TA का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, TA चीज़ क्या है, TA का सिलेबस क्या रहता है, TA का मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। इसका एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई अगस्त के आसपास, इसका एग्ज़ाम होता है आपका ईयरली। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, वो है आपकी प्रोसेस की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, 3 stages रहते हैं इसके। सबसे पहला जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, रिटर्न एग्ज़ाम आप लोगों का रहता है। आफ्टर दैट देर इज़ ए PIB, पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड। आफ्टर दैट देर इज़ योर SSB एंड एट लास्ट वो जो ये सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, आफ्टर दैट आपका जो मेडिकल होना है, मेडिकल से रहना है, वो लास्ट प्रोसेस है। मेडिकल के बाद मेरिट जो आती है आपकी वो रहता है, और इसमें पोस्ट थोड़ी सी कम रहती है तो उसका ध्यान रखना है। तो रिटर्न एग्ज़ाम में यू नीड टू स्कोर गुड। रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं अब हम लोग, रिटर्न एग्ज़ाम, फिर PIB, फिर मैं SSB की बात करूँगा, फिर मेडिकल्स की बात करेंगे धीरे। रिटर्न एग्ज़ाम में आपके देखिए 2 exams होते हैं, Part 1 और Part 2। पहले में आपका क्या होता है, रीजनिंग, और इसका दूसरा पार्ट होता है वो मैथ्स होता है, वो जो एप्टीट्यूड मैथ होती है आपकी, न्यूमेरिक, दोनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट आपका रहा इंग्लिश, इसके 50 क्वेश्चन हैं, और ये आपकी रहती है इसके बाद जनरल अवेयरनेस, कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, इसके भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। इन 100 का ये दोनों मतलब मिला के 100 क्वेश्चन ये हो गए, 100 क्वेश्चन ये हो गए, 200 क्वेश्चन आपके होते हैं, उतने ही मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक। 2 पेपर आप देंगे, जो लेवल रहेगा वो काफ़ी नॉर्मल लेवल रहेगा, बट ग्रेजुएट लेवल की एंट्री मान के चलिए FCAT CDS के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लो रहता है, बट एग्ज़ाम इज क्वाइट नॉर्मल, मॉडरेट लेवल का आपको रहता है।
पीआईबी के बारे में आपको बात कर लेते हैं। उसमें ब्रिगेडियर रैंक का रहता है, एक आपको दो कर्नल्स वहाँ पे बैठे होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वहाँ पे, पांच और एक आपका नॉर्मल वहाँ पे ऑफिसर बैठा होगा जो आपको एसेस करेगा पीआईबी में। आफ्टर क्लियरिंग योर पीआईबी, पीआईबी के बोर्ड्स होते हैं, हर जोन का अलग अलग होता है। जैसे नॉर्थ जोन का पड़ता है किसी का, जैसे नॉर्थ जोन वालों का उधमपुर पड़ता है, सेंट्रल जोन वालों का किसी का लखनऊ पड़ता है, किसी को बिहार की तरफ भेज दिया जाता है, सम ऑफ देम किसी को कोलकाता हो गया, जैसे ईस्टर्न वालों का हो गया, अलग अलग जोन बटे हैं इनके लिए। आफ्टर दैट, आफ्टर क्लियरिंग देट पीआईबी, पीआईबी के बाद आप लोगों का एसएसबी के लिए कॉल अप आता है, एसएसबी के लिए कॉल अप आता है, वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। सेम एज द जैसे आप भोपाल आता है किसी का, इलाहाबाद आता है, मेरा देखिए मेरा खुद का भोपाल था, तो सम ऑफ द रीजंस आते हैं एसएसबी ये डन हो गया, रिटर्न एग्जाम पीआईबी डन, एसएसबी डन, आफ्टर दैट वील गो फॉर द मेडिकल्स। मेडिकल जो रहता है, मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे। मेडिकल सेम एज आपका तुरंत मेडिकल हो जाता है किसी का, और किसी को टाइम दिया जाता है। तो ये मेडिकल्स होते हैं आपके सेम एज द अदर्स, जैसे अदर ऑफिसर्स एंट्री में होती है, सेम ऑब्लिगेशंस हैं, कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आपकी मेरिट आती है, मेरिट बेस किस टाइप पर रहेगी कि हाँ कोई इस पर प्रेफरेंस नहीं मिलता कि हाँ ये हवलदार है तो इसको ज़रा अच्छा मिलेगा, वो रिटायर्ड हवलदार है, उनके लिए अलग पोस्ट होती है। अपन जो जनरल कंपटीशन करेंगे उनके लिए ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अच्छा मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट को कम, प्राइवेट को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट वाले को भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है अगर उसके रिटर्न एग्जाम अच्छा है, उसका नंबर अच्छे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर मिसेलेनियस एंट्री जिसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।